तो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। तो इस वक्त मैं हूँ स्टैचू ऑफ यूनिटी यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के पास। तो देख सकते हैं अब सीधा आपको यहाँ से सीधा अंदर का नज़ारा दिखाया जाएगा। तो मैं पहुँच चुका हूँ अंदर, देख सकते हैं यहाँ से नर्मदा नदी की तगड़ी नदी है और उधर आगे डैम दिख रहा है आपको। तो देख सकते हैं कितना शानदार नज़ारा है यहाँ का, यहाँ का भाई मज़ा आ गया, बहुत शानदार नज़ारा देख सकते हैं यहाँ से। वो अलग उदार नज़र आ रहा है मेरे को तो यहाँ से, कसम से जिंदगी का सबसे शानदार सफर में कैद हो गया है ये। तो देख सकते हैं मैं गुजरात में मिले दो ऐसे कपल जो कि हर जगह साथ जा रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगा। तो मैं और माही भाई जाते हैं उन सुंदर सुंदर कपल से फोटो खिंचाने। देखो कितना मतलब कितने अच्छे लग रहे हैं, उनकी जोड़ी कितनी मस्त लग रही है, देख सकते हैं हमारे ये देख सकते हैं बड़े भाई माधवान गंडी के साथ, बड़े भैया वो पूरा यहाँ जो भी कुछ आपको दिखने को मिलेगा वो पूरा बड़े भैया का है। और अभी हम बड़े भैया के चरणों में हैं, हमने बड़े भैया के घर से देख लिया सब कुछ। हम अभी हम हमारे बड़े भैया के बहुत बड़े सीन के पास जा रहे हैं। ये पहले पूरे बड़े भैया के पास जाएंगे, इधर दिखाएंगे हमारे पूरे यहाँ पे छोटे भैया से मिलते हैं। चलो बड़े भैया तो देख सकते हैं ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो बाहर मूर्ति बनी है, मूर्ति जो स्मारक बना है वो कुछ इस प्रकार का है। देखिए ढांचा कुछ इस प्रकार है, मेरा नज़ारा यहाँ से बाहर का ये है और ये शानदार नज़ारा है यहाँ का, बहुत मज़ा आ रहा है इंजॉय करने में यार। बच्चों ने फ्री में ये देख लिया तो यार उनके लिए बहुत है, 2600 रुपये वसूल हो गए बच्चों के। देखो मेरे भैया, ओ भाई देखो मेरे भैया का पैर, भैया का पैर, भैया का पैर, माई भाई, भाई, भाई भैया। तो फिलहाल देख सकते हैं आप अभी हम सरदार वल्लभ भाई पटेल जस्ट चरणों के नीचे हैं, ये नज़ारा वहीं का है। ये देखो उनके पैर कितने बड़े दिख रहे हैं यहाँ से, तो बहुत ही प्यार दर्शन करके तृप्त हो चुका मैं तो। ये रहा उनका पाँव देखो, ये पूरा पाँव रहा, और अभी भी उनका खाली थोड़ा बहुत चेहरा दिख रहा है यहाँ से। बहुत दर्शक आए हुए यहाँ पर देखने के लिए, देख सकते हैं आप ये स्कूल के बच्चे, और कोई कॉलेज का है, कोई स्कूल का है, और कोई फॉरेनर है यहाँ पर। तो पूरे देश विदेश से यहाँ पर लोग सरदार वल्लभ भाई की प्रतिमा को देखने हुए आए हुए हैं यहाँ। ये अपने भाई लोग रहे माही भाई, तो माही भाई देखो, ये देखो वल्लभ भाई पटेल के चरणों के नीचे जा चुके हैं ये, तो हम भी इधर जाते हैं अब। तो दोस्तों जरा पीछे का नज़ारा देख सकते हैं आपका, कितना तगड़ा लग रहा है ये, पीछे पीछे का नज़ारा है देख सकते हैं, ये बड़ी शानदार व्यू है यहाँ का ये। तो मेरे बड़े भैया सबके बड़े भैया, और वहाँ पे वो जाली दिख रही है, वहाँ पे हम जाके आए हैं पूरा देख के घूम के, वहाँ पर जहाँ पर कोर्ट, जहाँ पर उनका सदम हो रहा नीचे, दूसरा बटन है वहाँ तक गया। तो फिलहाल यहाँ से नीचे आना है। तो मेरी नज़र जाती है सीधा नदी की ओर, और नदी में मेरा मुझे मगरमच्छ देख सकते हैं, मगरमच्छ तैर रहा है, और एक मगरमच्छ उधर भी है, कहाँ के ये रहा देखिए, ये रहा दूसरा मगरमच्छ। तो दो मगरमच्छ यहाँ पर तैर रहे हैं, तो एकदम से मेरी नज़र मगरमच्छ की ओर गई तो मुझे दिखा सीधे मगरमच्छ। जिन बच्चों ने मगरमच्छ आज तक नहीं देखा था उन बच्चों ने आज यहाँ पर मगरमच्छ देख लिया, तो मतलब सोने पर सुहागा हो गया भाई सबके लिए, ये ट्रिप तो सोने पर सुहागा हो गई, क्या बताऊँ मैं आप। तो बड़ी साफ और स्वच्छ दिख रही है यहाँ की नर्मदा नदी, देख सकते हैं आप पूरा स्टैचू ऑफ यूनिटी के बाहर का नज़ारा है ये पूरा, देख सकते हैं इधर से लेकर उधर तक, उधर दीवार में भी लिखा है। तो दोस्तों हमें जाना है यहाँ से सीधा सफारी पार्क, वो भी पैदल पैदल 2.5 किलोमीटर हमें पैदल चलना है यहाँ से। तो सफारी पार्क का नया ब्लॉग लेके हम बहुत जल्द आपके बीच आएंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए,
मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।